कन्नौज पुलिस ने आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जिले के सीमावर्ती गांव से अवैध असलाह फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। पुलिस की माने तो लोकसभा चुनाव में असामाजिक तत्व गड़बड़ी करने के लिए इन अवैध असलों का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए कन्नौज पुलिस अराजक तत्वों और अवैध काम करने वालों की खोजबीन में जुटी हुई है। यहां की ठडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सरसोनपुरवा में अवैध असले बनाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गांव में जंगल में छापा मारा। थाना अध्यक्ष ठटिया और ठटिया के अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा एक गोपनीय सूचना के आधार पर एक असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और इसमें एक अभियुक्त है शिवप्रसाद उर्फ टर्रे, इसको गिरफ्तार किया गया है जो असलहे का निर्माण कर रहा था। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद तमंचा 303 बोर जो पूरी तरीके से बना हुआ है। इसके अलावा 315 बोर के 4 तमंचे हैं जो अर्ध निर्मित हैं और एक अदद अधिया है 12 बोर की, तो वो भी बरामद हुई है। और इसके पास से जो अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण हैं वो भी बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं।